यही है अंकल। चलने को तो नहीं होता है, अंकल ऐसा घिसड़ घिसड़ के जाते, लेकिन वो सब जगह भी घूमता रहता है। तो ये पोटला इन्हीं का है? इनका ही। हाँ, तो इसमें क्या रखा हुआ है? कपड़ा ही बड़ा है, लेकिन पूरा घूमता रहेगा, ये पूरा घूमता रहता है इधर पूरा एरिया में। और एक अभी मैं कितना शाम से देखा, तो शाम से शाम का तक आया। उसको बोला कि पैसा दे रहा था, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए उसको। कितने टाइम से इस एरिया में वो? कभी से। तो इनका कोई भी घर बार कुछ भी नहीं है? ऐसा नहीं, वो अभी ये साइड में जाता है किधर, सतपाला में, वो साइड में किधर मालूम नहीं अभी क्या है। आज सुबह से लेकिन वो इधर का इधर ही घूम रहे हैं खाली। काका उठा ना, आपका घर कहाँ है काका? घर हाँ, घर जान सुखर से। हाँ सुखर से पण तला करी का? तुमचं कोण आहे का? हा कोण आहे की नाही? आला कोण आहे? हा वाजी आहे माझे पोरी वाजी पोरी जग वाजले पण पोर आहे तर की पोर जाऊ ना। तो घर पे नहीं रहते हो आप? घर भी मोरा लगा बांधला। ये क्या बोल रहे, पूछो ना इनको मराठी में। ओ बाबा घर नहीं है तुमचं? घर नहीं है तुमचं? घर मोडला घर बांधला मतलब तोड़ दिया इनका घर, फिर बांधा। कुनी बांधला घर? घर लगा बांधला घरच्या लोकांनी। उसके फॅमिली वालों ने घर बांधा। कुठं आहे तुमचं घर? तुमचं घर कुठं आहे? चालू नका तो इधर क्यों सोते हो, पूछो इनसे। इधर का झोपता तुम्ही? इथे का झोपले? बैठते हो? बैठ जाओ थोड़ा सा। बसा बसा उठा, उठून बसा जरा। ये उबन रहा था, उबन रहा था। अच्छा, ये हाथ में भी इनके तकलीफ है ना। आराम से कोई बात नहीं। ये हाथ में क्या हुआ है? अरे हाथ ये मोरी झटके लग लेना देने दे, ये हाथ बोले हाथ बंदे नहीं पाला। हम लोग आपको ले जाने आए हैं और ले जाता नहीं पाला। क्या हो गया? आप चल फिर नहीं सकते हो? चल सकते हो? पैर वो रहा था लाभ हाथ डाली। क्या बोल रहे? लाओ मैं छिल देता हूँ आपका, इधर गिर गिरा रहा है, लाओ। मैं आपकी बात ही नहीं समझ रहा हूँ। थोड़ा सा और ताकत लगाओ, बस थोड़ा सा और रुको, मैं करता हूँ आपको मदद। यस वेरी गुड। चादर फेंक दो क्या? रहने दो, देखेंगे रास्ते में क्या होगा।
देखना इनके ऊपर गिरे नहीं, आगे रख दो, आगे रख दो इसको, चोट लग जाएगा। बस बैठो शांति से अभी, चलिए चलते हैं। चलो भाई बेस्ट है ना सोशल, आ जाओ। दादा बहुत पैसा आपके पास, तो पैसा तो बहुत है आपके पास, इसको खर्च क्यों नहीं करते थे? हाँ इसको खर्चा क्यों नहीं करते थे? दोस्तों आप देख सकते हो कि अंकल के पास कितने पैसे हैं, उसके बाद भी ये किस हालत में रोड पे रहते थे। तो हमारा दिया हुआ पैसा हमेशा किसी के काम आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लोगों को ज़रूरत होती है एक सही जगह की, एक सही केयर की। हम लोग हमेशा, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि हम पैसा दे के छूट जाते हैं कि चलो हमने अच्छा काम किया, लेकिन क्या वो पैसा उनकी ज़िंदगी बदल पा रहा है ये भी देखना हमारा काम होता है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को एक सही जगह पहुंचा सके जहां पे उनका सही से देखरेख हो सके। अभी जो भी इनके पैसे हम लोग गिन के और इनके ही कस्टडी में रख देंगे ताकि जब भी इनके लिए कोई ज़रूरत हो तो उसमें काम आ सके। बाबा किती महिने तुम्ही पिछले बारिश से बाहर है? पिछले बारिश से काय बाबा पूजा हाथ मारली कोण भजन फेरना पेनी पूर काय बाबा ना सगळं हाथ मारते मतलब नाश्ता दिया और हाथ मार के छीन लिया बोलते पैसा लोग छीन लेते थे आपसे हाथ मार ले। ओके ओके और ज्यादा था तो लोग नाश्ता देने आते थे छीन लेते थे ऐसा। तो दोस्तों रोड पे ऐसा भी होता है, पैसा रहने से भी कुछ ऐसे भी वर्ग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो छीन लेते हैं। क्या हो गया? चोरी करते। कौन चोरी करता है? कौन है? समझ नहीं। सही बात। इधर से
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अंकल के पास दादा के पास कितने पैसे थे और ये इन्होंने काफ़ी मेहनत से इकट्ठा किया है। ऐसा मैं ज़्यादा मराठी नहीं समझता हूँ, लेकिन इनका कहना ऐसा है कि जब ये रोड पे रहते थे तो लोग इनसे मार के पैसे छीन भी लेते थे और कोई नाश्ता देने आया और इनके करीब आके फिर इनसे जो होता था वो छीन के भाग जाता था, लेकिन फिर भी इनके पास ये बचा हुआ है। और काफ़ी लोग, हम लोग अक्सर रोड पे दे के लोगों की मदद करते हैं, उन्हें दे देते हैं कि चलो हम उनकी एक मदद कर रहे हैं, लेकिन पैसे उनके पास शायद जमा होते हैं लेकिन जब हाथ पैर शरीर काम नहीं करता है तो इस पैसे को कैसे खर्च करना है वो भी उन्हें नहीं पता होता है। तो सही मायने में वो सही जगह पर आए तो ही उनकी अच्छी मदद हो सकती है। अभी दादा नहा लिए, साफ़ सुथरा हो गया, नहा लिए ना, अच्छा लग रहा है ना। चलिए जो कि इनके पास में था दादा 4885, ठीक है, ये आपका पैसा है, ये आपकी अमानत है, ठीक है ना। तो ये हम लोग रख देते हैं इसको। अच्छा हाथ रखो मेरे ऊपर, हाँ बस आ जाओ, हाँ ठीक है, बैठना होता है आपको जी जी। नमस्ते नमस्ते, धन्य है धन्य है, बस ऐसा ही काम करते रहो, बस बस आप लोगों का आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया है, देंगे सफल हो जाएंगे भाई। बैठो दादा, क्या नाम है आपका? नाम मैं तुमसे नाम का है मैम गवुन का गवुन गवुन गवुन। अच्छा गवुन नाम है आपका, तो आपके घर में कौन कौन है पूछो, मैं जो बोलूँ पूछो। तुमसे घर आप कौन कौन रहता है? आपके घर है अगला बाजार खाल ना, म्हणजे मुलगा मुलगी कोण कोण राहत? चार जण चार जण। अच्छा तो उनके साथ क्यों नहीं रहते हो आप, पूछो तुम्ही त्यांच्या सोबत का नाही राहत? आमचे पतीच नाही भाकर भाकर चाली पर जा कोरा पण बोलता है चल निकल यहाँ से रे मत। अच्छा आपको ऐसा बोलता है चल निकल यहाँ से? अच्छा अच्छा तो कितने साल से आप ऐसे बाहर रोड पे? पिछले बारिश से वो बोले थे ना। अच्छा हाँ पिछले बारिश से बाहर है, इनको बोलो अभी आपको यहीं पे रहना है, यहाँ पे आपको सब सुविधा मिलेगा। तुम्हाला इथंच राहायचं आता, हाँ हे बघा इथं राहायचं, इथं बाथरूम आहे ठीक आहे, जेवण वगैरे सर्व वरती येईल, इथं तुम्हाला सर्व डॉक्टर वगैरे सर्व इथं आहेत ना, इथं राहायचं है ना। अभी आपको रोड पे नहीं रहना पड़ेगा, आप अच्छी जिंदगी जियोगे ठीक है। ये पानी है इसमें, इसमें दादा पानी है, ये खाना है, आराम से खा लीजिए है ना। ये ग्लास दूं? कपड़ा धोने का साबुन देते हैं क्या? पानी ग्लास में डाल दूं? उनका क्या एक साइड का लकवा है? आपके जैसा हुए तो अपने जन्म सफल है, बाकी रस्ते भी छोड़ दिया आपने लाया। खा लोगे दादा? खा लोगे? खिलाऊं? खाना हो जाएगा आपसे?
ला मैं तोड़ दूँ, ला एक मिनट रुको। और तोड़ दूँ ठीक है, अभी एक लेके ये सब्जी में खाना है। चम्मच दूँ, मंगा देता हूँ एक चम्मच। और छोटा कर दूँ रोटी, और छोटा कर दूँ तो खा लेगा आराम से। क्या आपको मैं देखा आपका स्वभाव में किसी को भेदभाव नहीं, आपको माँ को तो मैं बोलता धन्य है जिसने आपको 9 महीना तक पेट में रखा। सरकार जी धन्य है माँ बाप को, माँ बाप का नाम उजाला। दादा क्या भेदभाव करने का, सबका एक ही शरीर है, एक ही खून है। वो समझना चाहिए, आदमी नहीं समझते भेदभाव, समझते नहीं है भेदभाव। भेदभाव भेदभाव बोल क्यों, मिश्रा जी से मेरे को भेद रखना ही है वो बोल रहे हैं। आदमी जो समझ, जहाँ जिसको भगवान का अंदर वास है वो भी समझ पाएगा, जिसके अंदर भगवान नहीं है उसको कोई नहीं समझ पाएगा। उसको भेद भेदभाव लिखेगा, भेदभाव लिखेगा, बस वही लिखेगा। ये संस्कार ऊपर वाले की देन से आता है, ऐसा नहीं आता। चलो आपका आशीर्वाद है, बहुत बड़ी बात। चेहरा देख के मेरे को हो जाता है कि भाई धन्य है आपका माँ बाप। ये देखो माँ बाप का नाम उजड़े हुए कोई बोले ये मेरा लड़का है, उसको फूक जाएगा, वाह धन्य है। बाप भी बोलेगा माँ को उन्हें ऐसा लड़का दिया, ऐसा वो लड़का दे, बस जब अपना दोनों का जीवन सफल हो जाए बस। मैं तो आप लोगों को देखता हूँ खुश हो जाता हूँ, मजा वही है, वही है वो प्रेम भाव जो है ना। देखो आप ही हमारे परिवार है, आपके लोग आते हैं तब हमको लगता है कि हमारा कोई है, हम तो ऐसा निराधारी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप लोग को देख के हमको लगता है कि हम कुछ हमारे को सनास है हमारे है। मैं आपको देख कर तो मेरे को बहुत खुशी हो जाती है। बस इसी तरह आशीर्वाद दीजिए और ज्यादा लोगों की मदद कर सके और ज्यादा लोग तक पहुंच पाए। देखो आपकी भावना ऐसे आपको काम मिलते रहेगा बार बार, तो वो सेवा ही करो बस। बस भावना जो है भगवान ये कराने के लिए, इसमें समझना जो जुवानी में पाप होता है, जुवानी में अच्छा काम होता है तो जीवन सफल हो जाता है। आदमी पहले से सीख गया ना तो आपका भाव देखो, आप 60 साल का भी होएगा ना आपके ये भाव होएगा किसको, दुखी को आंसू पूछने का, बस बस वही काम है। दवा आ जाता है, क्रीमाफिन आता है टाइम पे, एक रहने के खत्म हो गया अभी, खत्म हो। मैंने बोला हुआ था वो जब भी लाता है मेरे को भेजता है, मैं तुरंत पैसा ट्रांसफर मार, मैंने बोला है दवा उनका रुकना नहीं चाहिए क्योंकि वो अच्छा दवा है। हाँ थोड़ा है अभी, आज ले आएगा शाम को, इससे आराम होता होगा, ये आंख के लिए बहुत अच्छा है। 12 नहीं फर्क पड़ गया है ना, ये दवा चालू ही रखना आप अभी। वो तो आपके ऊपर मेरे पर क्या, नहीं नहीं एकदम, मैं तो भाई कल का आदमी हूँ भाई, मैं तो एकदम टाइम जैसे ही खत्म होता है मैं पूछ लेता हूँ उनका दवा है। आज बोला उसको, उसको बोला तो उससे पूछा मेरे को, बोला कि इतना ही एक दिन का है, आज ला देगा, खत्म होने वाला, आज पिया नहीं मैंने, इसके लिए बचाने के लिए नहीं पिया। नहीं ना पी लो, आज आ जाएगा। ये तो कितना, एक सप्ताह चलता होगा, एक हफ्ता चले पर, एक हफ्ता ठीक है। चलिए मिलता रहूँगा, ध्यान रखिए अपना। चलिए जय श्री राम, जय श्री राम।